पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल को होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा चालू भी हो चुका है और बहुत जल्द पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा, जिससे बंगाल में भी उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। इसी तरह जो विशेष किसान रेल शुरू की गई है, उसका लाभ आज पश्चिम बंगाल के छोटे किसानों को बहुत तेजी से मिलना शुरू हो रहा है। अभी हाल में ही देश की 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई। इससे यहां के फल, सब्जी, दूध और मछली से जुड़े छोटे किसानों को मुंबई, पुणे सहित देश के अनेक बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। भाइयों और बहनों, आज उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों के लाखों छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। नॉर्थ साउथ मेट्रो का नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक विस्तार होने से हर दिन इन जिलों के हजारों यात्रियों को सुविधा होने वाली है। अब आपको कोलकाता आने जाने के लिए आधुनिक और सुविधा संपन्न तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया है। भाइयों और बहनों, चंद्रनगर सहित ये पूरा क्षेत्र भारत की आजादी का, भारत की संस्कृति और भारत के ज्ञान विज्ञान का एक प्रकार से तीर्थ है। महर्षि अरबिंदो, मोतीलाल रॉय, रास बिहारी बोस, विपिन बिहारी गांगुली, कन्हैयालाल दत्त, उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, अनगिनत ऐसे महान व्यक्तित्व का नाता इस धरती से है। ये वो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत हमें दिए। माउंट एवरेस्ट को मापने वाले महान गणितज्ञ राधानाथ सीगर, महान भाषाविद बुदेव मुखर्जी, ऐसे मनुष्यों का भी नाता इसी मिट्टी से रहा है। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है।